प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। छठी कक्षा गणित में हमने प्रश्नावली 5.1 के 5.2 के प्रश्न किए थे और प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक प्रत्येक प्रश्न का एक एक भाग आपको समझाया था मैंने और आपको होमवर्क के लिए बाकी भाग करने को दिए थे। प्यारे बच्चों, बड़ा दुख होता है जब आपकी कक्षा से 22 बच्चों में से केवल 2 बच्चे होमवर्क करके भेजते हैं। प्यारे बच्चों, एज ए टीचर, एक अध्यापक जितना भी उससे संभव हो पा रहा है इस लॉकडाउन के दौर में, आपको पता है स्कूल बंद है, एक अध्यापक पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको किस तरह से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस को आप तक पहुंचाया जाए, गणित में किस तरह से हर प्रश्नावली, हर प्रश्न की अलग अलग वीडियो बनाकर आपको भेजी जा रही है और ना तो आपके पेरेंट्स चिंतित है और ना आपको कोई चिंता है। प्यारे बच्चों, अगर यही क्रम चलता रहा तो आज के बाद में आपको छठी कक्षा गणित की कोई भी नई वीडियो नहीं भेजूंगा। मैं उन्हीं कक्षाओं को नई वीडियो बनाकर भेजूंगा जिन कक्षाओं से बच्चे होमवर्क करके मुझे भेज रहे हैं। बच्चों, आपको हर तीसरे दिन में आपके सिलेबस की वीडियो बनाकर भेजता हूं। एक दिन आपको वीडियो नहीं भेजी जाती है, उस दिन आपको वीडियो को देखना है, 2-3 बार देखना है, समझना है प्रश्नों को और उसके बाद प्रश्नों को हल करके मुझे भेजना होता है। बच्चों, 7 जून को जो मैंने वीडियो भेजी थी तो केवल 3 बच्चों का होमवर्क 22 बच्चों में से आया था। फिर मैंने सोचा चलिए बच्चे होमवर्क करके भेजेंगे, वीडियो को देखेंगे। 9 जून को फिर मैंने नई वीडियो, एज यूजुअल हर तीसरे दिन जो मैं भेज रहा हूं, 9 जून को जब मैंने वीडियो भेजी तो उस वीडियो का जो रिस्पॉन्स आया, 22 में से केवल 2 बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा। एक बच्चा हनेश है और एक प्रियांशु राणा। शाबाश बच्चों, आप होमवर्क भेजते रहिए, 22 में 2 तो कोई है जो मुझे होमवर्क भेज रहे हैं और मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाकी बच्चों से भी मैं निवेदन करता हूं, बच्चों आप भी वीडियो को देखें। पेरेंट्स से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप बच्चे को अपने सामने गणित की वीडियो दिखाएं। जो होमवर्क मैंने दिया होता है उस होमवर्क को बच्चे को करवाएं। अगर होमवर्क करवाने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, आप मुझसे संपर्क करें। हर वीडियो के लिंक में मैंने अपना नंबर दिया होता है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम एक नया विषय कोणों के प्रकार, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो कोण है
वो पांच प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। बच्चों सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होता है जिसका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो। ठीक है, जो न्यून कोण है 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। जैसे 30 डिग्री का कोण है, ये 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, उसी तरह से 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। दूसरा है सम कोण। सम कोण कौन सा कोण होता है? 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? सम कोण। बच्चों तीसरे प्रकार का कोण है अधिक कोण। अधिक कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण। जो अधिक कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं 120 डिग्री का कोण, या फिर 150 डिग्री का कोण, 170 डिग्री का कोण। ये सभी कोण कैसे हैं? अधिक कोण, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से कम हैं। चौथे प्रकार का कोण है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री का कोण है उसको हम ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण क्या हुआ? 180 डिग्री का कोण। अगला है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। बच्चों प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपने मैच करना है ऋजु कोण, सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण, और इन कोणों में कितना घूर्णन होता है वो आपने देखना है और मैच करना है। अब आपको पता है 1/4 घूर्णन कितना होता है, 1/2 घूर्णन कितना होता है, 3/4 घूर्णन कितना होता है, 1 घूर्णन कितना होता है। जो मैंने इस चैप्टर की पहली वीडियो आपको भेजी थी उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है, आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं घूर्णन को समझने के लिए। तो बच्चों जो ऋजु कोण है, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का कोण, और 180 डिग्री में कितना घूर्णन होगा? 1/2 घूर्णन। उसी तरह से सम कोण में कितना होता है? 1/4 घूर्णन। और न्यून कोण, तो जो न्यून कोण है, न्यून कोण में सॉरी सम कोण में 1/4 घूर्णन होगा, ऋजु कोण में 1/2 घूर्णन हो गया, और सम कोण में कितना होता है? 1/4 घूर्णन। उसी तरह से न्यून कोण में 1/4 से कम घूर्णन होता है। जो अधिक कोण है, अधिक कोण में जो 90 डिग्री से ज्यादा कोण होता है तो उसमें कितना होगा? 1/4 और 1/2 के बीच में घूर्णन होता है। और जो प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण में कितना घूर्णन होता है? 1/2 घूर्णन से अधिक घूर्णन होता है। तो इस तरह से ये जो मैच कर रहा है, पहला मैच कर रहा है सी के साथ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा मैच कर रहा है डी के साथ। तीसरा मैच कर रहा है ए के साथ। चौथा मैच कर रहा है ई के साथ। और पांचवा मैच कर रहा है डी के साथ। इस तरह से आपने पहला प्रश्न प्रश्नावली 5.3 का करना है। बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा है प्रश्नावली 5.3 का। प्रत्येक को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे ए में जो आकृति दी है, अब आपने इस आकृति को देखकर बताना है ये कौन सा कोण है। बच्चों इस कोण को आप देख रहे होंगे,
ये कौन 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये कौन सा कौन है, इसको क्या बोलेगा, न्यून कौन। क्योंकि न्यून कौन की परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया था, वो कौन जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है। बी में यहाँ पे कौन बना है इस तरह का, आपकी बुक में आकृति बी है, तो इस कौन को आप देख रहे होगे, ये कौन 90 डिग्री से ज्यादा है परंतु 180 डिग्री से कम है। तो जिस कौन का माप 90 और 180 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं अधिक कोण। तो बच्चों जो दूसरी आकृति है ये किसकी है, अधिक कोण की है। बच्चों सी में आप जो आकृति देख रहे हैं वो इस तरह से है, तो ये कोण कितने डिग्री का है आप यहां देख रहे होंगे, एक किरण सीधी आगे को जा रही है, एक नीचे को आ रही है सीधी, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं सम कोण। ये जो कोण है ये कितने का है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, सम कोण। बच्चों ये डी की आकृति है, अब इस कोण को आप देख रहे होंगे, ये जो कोण है यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, तो ये कोण 180 डिग्री से बड़ा है परंतु 360 डिग्री से कम है। तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये जो आकृति है, ये आकृति है एक प्रतिवर्ती कोण की। तो बच्चों इसी तरह से आप इसका ई और एफ स्वयं करेंगे। बच्चों आज का आपके लिए होमवर्क है, आपने प्रश्नावली 5.3 के जो दो प्रश्न है वो पूरे करने हैं, और इसके साथ साथ जो आपको मैंने पांच प्रकार के कोणों की परिभाषाएं लिखाई है तो वो परिभाषाएं भी आपने फेयर कॉपी में लिखनी है और मुझे भेजनी है, और इसके साथ साथ आपने याद भी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देखेंगे और होमवर्क पूरा करके मुझे भेजेंगे। कम से कम हनेश और प्रियांशु आप तो पक्का भेजेंगे ही, और बाकी बच्चों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी इस वीडियो के देखने के बाद होमवर्क को अवश्य पूरा करके मुझे भेजेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।